विभिन्न योजनाओं को लेकर राजस्व की टीमें लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। बावजूद इसके राजस्व प्रकरणों के निराकरण में इंदौर जिला पिछड़ता जा रहा है। खासकर सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की पेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है, जहां इन्हीं सब विषयों को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर मनीष सिंह ने राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्व प्रकरणों के निराकरण को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। राजस्व अधिकारियों को कार्यशाला लगाकर दिए गए निर्देश। कलेक्टर मनीष सिंह ने दिए राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। काम में लापरवाही बरतने वालों को कलेक्टर ने दिया अल्टीमेटम। रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित हुए इस कार्यशाला में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, SDM और ADM शामिल हुए। इस कार्यशाला में कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों से उनके कामों की रिपोर्ट ली। साथ ही साथ कलेक्टर ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में चलाई जा रही राजस्व योजनाओं को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। वहीं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को जहां तारीफ मिली, तो वहीं काम में लापरवाही बरतने वालों को कलेक्टर ने अल्टीमेटम दिया। मेरे पास रिस्पॉन्ड, बाकी जो बाहर की पब्लिक में जो कई सारी मेरी पर्ची थे उनसे भी मैं पूछता हूँ तो ये बतला रहे हैं कि यहाँ सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लोग। पर रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। जब पब्लिक आती है कोई तहसीलदार से अगर बैठे नहीं है या तहसीलदार से पहले अगर लीडर से मिल रहे हैं तो लीडर को बुलाने का मकसद ही ये था कि लीडर्स को जवाब देना पड़ेगा उनको पब्लिक को। ये आपका दायित्व है आपका, ये कि आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप लोग किसी पे भी, लीडर साहबान जो है आपको करना पड़ेगा। फाइल नहीं मिल रही, थोड़ा सा जवाब रहता है, सब फाइल खोलनी पड़ेगी। क्या क्यों फाइल खोलनी पड़ेगी भाई, एप्लीकेंट चल के आया है सब काम छोड़ करके। ये बेचारे गांव से आते हैं, दिन भर का पूरा ब्रेक करके अपना आते होंगे कलेक्ट्रेट में या आपके ऑफिस में, SDM ऑफिस में, और उसके बाद फाइल नहीं मिल रही, फाइल खोजेंगे, मुँह टेढ़ा करके घूम रहे हैं अपना लीडर साहब और फाइल खोजेंगे, सब पब्लिक खड़ी है वहाँ पर। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। SDM को देखना चाहिए, फाइल नहीं मिले तो जिम्मेदारी भी उसको लीडर की। फिर आप पर ये थोड़ी चलेगा। और दूसरा ही आप सोचो कि आप लोगों का कृत्य जो है, चाहे बाबू ही क्यों ना हो या कंप्यूटर ऑपरेटर बदमाशी नहीं कर रहा हो, तो आप लोग ही सोच लो कि बात जाएगी नहीं, फ्लो नहीं करेगी। SDM पर सबसे पहले आती है, सबसे पहले SDM को सही करना चाहिए अपनी टीम को। अगर पराग जैन पठान का क्या सीमांकन कर रहा है, वो भी जब कोविड समय था, जब अपन सब बिजी थे जुलाई में, कोविड में जून में या जुलाई में, जून की बात रही होगी, जो किया हुआ इन्होंने कब किया था मनीष जी लोगों ने सीमांकन, तो ये आ रही क्या कर रहा है, कैसे मालूम है आपको, देखिए मालूम रहना चाहिए कि आज आ रही है ये सीमांकन करने जाएगा। ये नोटिस जारी की आ रही ने सब पक्षों को सूचित किया है, इन्फॉर्म किया है, सबको जानते हैं आ रही लोग, फोन में करके बुला सकते हैं जमीन वालों को। अपनी तरफ से तो पारदर्शिता दिखाएं अपन लोगों को बुलाने की जो है, और स्पेशली ऐसे लोगों में जहाँ पर मालूम है कि लोग बदमाश हैं। अब जो भी यहाँ का रेवेन्यू का स्टाफ होगा, वो जो विजय चौधरी है उसका जूम डेवलपर्स सारा बचपन से सुन, मैं ही 99 पदस में तब से जूम डेवलपर सुनता आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये कोई बहुत ही बदमाश आदमी है, वो उसको पठान की सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ऐसे में ये माना जाए कि आप बोलते तहसीलदार साहब की आप नहीं थे। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो इस कार्यशाला के जरिए सभी राजस्व अधिकारियों को जनता के प्रति रिस्पॉन्सिव रहने के निर्देश दिए गए। बहुत सारे इश्यूज हैं जो राजस्व की टीम काम करती है, पब्लिक के इंट्रेक्शन होता है, ज़मीनों के मसले रहते हैं, उसके लिए आज सभी पटवारी, RI, सभी रीडर्स, जितने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, ADM सब रीडर्स थे, भू अभिलेख की शाखा के सभी कर्मचारी थे, और सभी नायब तहसीलदार, SDM, ADM सभी लोग थे। अलग अलग विषयों पे इनको ब्रीफिंग दी गई है, क्या स्टेटस है, किस में क्या सुधार करना है। मेनली जनता को के प्रति रिस्पॉन्सिव रहें, किसी प्रकार की जैसे सीमांकन होता है, सीमांकन में कुछ शिकायतें कुछ की मिली थी कि सीमांकन में पारदर्शिता नहीं रखी गई थी, जो समस्याएं आई थी या जो उसमें गड़बड़ियां हुई थी उसके बारे में लोगों को सचेत किया, और साथ ही साथ ओरिएंटेशन पूरा किया अलग अलग एक्टिविटीज़ को लेके, क्योंकि सभी चीज़ें ऐप से मॉनिटर हो रही हैं। कई जो अच्छा काम करने वाले पटवारी हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, तहसीलदार हैं, उन लोगों ने भी अपना अनुभव बताया कि उन्होंने जो कठिन विषय हैं या जो ऐप में वर्किंग अच्छी सफलतापूर्वक किया है, उन्होंने खुद बताया कैसे उन्होंने सब चीज़ों को किया है ताकि बाकी लोगों के अवेयरनेस हो सके। और धारणाधिकार स्वामित्व योजना, नगरीय क्षेत्रों में धारणाधिकार के तहत राइट्स दिए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत, जो शासन का दोनों ही प्रोग्राम शासन के प्राथमिकता के हैं, उसके बारे में ब्रीफ किया और जनरल एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम पूरा किया गया है। कोविड में जिन राजस्व प्रकरणों के निराकरण को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। राजस्व अधिकारियों को कार्यशाला लगाकर दिए गए निर्देश। कलेक्टर मनीष सिंह ने दिए राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश।
काम में लापरवाही बरतने वालों को कलेक्टर ने दिया अल्टीमेटम। इस दौरान शहरी और ग्रामीण इलाकों के राजस्व अधिकारियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी कार्यशाला में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।